भाई हमारे अभिषेक भाई, हाँ गौरव भाई, क्या नाम, पैसा आता है लेकिन इतना नहीं आता 30,000 सब्सक्राइबर पे। अगर मैं एक अंदाजन बताऊँ तो एक चीज में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इससे कि ये हो गया ओपन। अब आप ये देखेंगे तो ये आपका जितना वजन है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट। ज्यादातर एक हैंड ब्रेक होता है ट्रक में, यहाँ पे दो रहते हैं, गर्मी में टायर की वजह से खड़े हो जाते हैं क्योंकि टायर। पहली बार आपने किसी ट्रक में देखा होगा LNG और जो CNG है भाई ज्यादा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये बिल्कुल डिसेंट कंटेंट है और यूट्यूब पे शायद ही आपको देखने को मिले। इंतजार करवाया मैंने जरूर आपको, लेकिन वीडियो बहुत डिसेंट लाके दूंगा। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन, अगर आगे से मैं दिखाऊं आपको तो ये इसका लोगो आपको देखने को मिलेगा। और ये LNG ट्रक है, CNG सुना होगा आपने लेकिन ये LNG ट्रक है। पीछे ग्रीन लाइन है LNG। मैं बता दूं पहले आपको, ये देखिए इसकी टंकी है, पूरी LNG की टंकी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी टंकी है, 1000 लीटर की पूरी ये टंकी है। और समथिंग इसमें 380 किलो गैस आ जाती है, समझ गया, 380 किलो गैस आ जाती है और वो 89 की चल रही है अभी। और इस टंकी में ये 1600 किलोमीटर के समथिंग ये गाड़ी चल जाती है। अब उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसका माइलेज क्या निकलेगा। और LNG अगर अपन बात करें तो LNG और जो CNG है भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है LNG CNG में। आप कह सकते हैं जैसे CNG क्या रहता है, गैस वाले फॉर्म में रहती है और LNG मतलब लिक्विड वाले फॉर्म में होती है। तो जो नेचुरल गैस होती है ना उसको ही कंप्रेस किया जाता है और लो टेम्परेचर पे उसको एकदम ठंडा किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में टर्न हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, तो वो LNG हो जाती है, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और कुछ भाई देखिए, खड़े पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैं एकदम अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये ट्रक जीत गया, जो भी इन्फॉर्मेशन निकली बता रहा हूँ। बाकी कुछ डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताऊँगा इस ट्रक के बारे में अभी, क्योंकि बिल्कुल नया लीडिंग ब्रांड है ये। बिल्कुल ये ट्रक को जो लॉन्च करने के पीछे रीज़न है वो ये है कि बिल्कुल जो एनवायरमेंटल केयर, मतलब प्रदूषण ना हो और ये डीजल वगैरह से मुक्ति मिले, एवरेज अच्छा मिले, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रक हो, मतलब ये है इसका क्रिएट करने का रीज़न। अब मैं आपको ट्रक के बारे में बताऊं तो देखिए ये इसकी बैटरी है, आप देख सकते हैं बड़ी ही ह्यूज टाइप की बैटरी है। बैटरी पे भी इसका लोगो आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं टैंक आपको बता ही चुका हूँ, ये इसका एग्जॉस्ट है और फिलिंग पॉइंट वगैरह क्या है कि ये खड़ा हुआ था ट्रक, मैंने अंदर से भी दिखाऊंगा जाके, ये 1, 2, 3 अभी तो मतलब 6 टायर है। ये इसका घोड़े वाला सिस्टम है, जो भी इस पर या तो ट्रेलर कनेक्ट होगा या फिर कंटेनर होगा या फिर आप कह सकते हैं टैंक जो होगा वो हो सकता है। इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ बिल्कुल आप देखेंगे ब्रांड न्यू रखा हुआ है, टायर सेक्शन MRF के टायर लगे हुए हैं। ये शायद टूल बॉक्स से इसका जो पैक है। और अंदर से अपन सिस्टम की बात करें तो ये प्रेशर टैंक वगैरह इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे। और ये पूरा लाइट वगैरह का जो कनेक्शन है या फिर जो वो है, और ये टैंक इस तरफ से दिखा दिया मैंने, ये इसका फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और कंटेंट कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा और अभी यही ट्रक निकाले इन्होंने, समथिंग अराउंड 100 यूनिट निकले हैं अभी, 55-28+ ये ट्रक है। ये इसका ग्रीन कलर का लोगो आप देखेंगे, ग्रीन लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है एज़ यूजल, दूसरे ट्रक की तरह ये है। और एक बात मैं बताऊँ आपको, आपको लग रहा होगा LNG ट्रक है तो ये पावरफुल नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये हेडलाइट आप देख सकते हैं इस तरीके की इसकी हेडलाइट है। ये जो भारत बेंस वगैरह के ट्रक आते हैं उतना ही पावरफुल ये ट्रक देखने को मिलेगा आपको। भारत बेंस के ट्रकों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है आपको, जो ऊपर ये लगा के रखा है स्पॉइलर, कार में बोलते हैं जो ऊपर लगते हैं इसको स्पॉइलर ही बोल दूँ मैं तो आप अंदर से बात करें ट्रक की, देखिए अंदर से दिखाता हूँ, देखिए टायर्स बड़े अच्छे हैं टायर। एक बात बोलूँ जो ये है, अब यहाँ से देखिए बड़ा खूबसूरत है दिखने में, आप देखेंगे मतलब डिसेंट लग रहा है, उसका लोगो भी बहुत ही एंटिक लग रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं अंदर ट्रक के, तो ये देखिए भाई ये इसकी चढ़ने वाली प्रोफाइल है, ये बिल्कुल रस्सी का लगा रखा है इन्होंने, डिसेंट चीज़ है। और यहाँ पे एक कवर है और ये ग्रैबिंग, ये मैंने पकड़ा इसको, ये चढ़ा। अब चढ़ने से पहले वापस उतर जाता हूँ ये चीज़ बताना भूल गया था, प्रेशर सीट है ये। प्रेशर सीट में आपको बता दूं, ये अभी इसकी चालू नहीं है, प्रेशर सीट होता है आपका जितना वजन है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें कंफर्ट देखने को मिलता है, सीट पीछे ऊपर नीचे या आगे पीछे करने के एडजस्टमेंट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एडजस्टमेंट का कलर एकदम वो कर रखा है। और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वे एडजस्टेबल सीट आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको तो देखिए इस तरफ की ये इसके मैनुअली हैं और पावर विंडो जो है, पावर विंडो नहीं है मैनुअल विंडो दे रखे हैं, स्टोरेज वगैरह है, ये इसमें AC भी आता है बता दूं आपको। चलते हैं अंदर, और अंदर मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उतनी तो बता दूंगा। इस टाइप का इसका ये पूरा आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग पे ये लोगो देखेंगे आप यहाँ पर, इस टाइप का लोगो है। आपने देखा होगा ज़्यादातर एक हैंड ब्रेक होता है ट्रक में, यहाँ पर दो रहते रखें क्योंकि ये है हैंड ब्रेक और ये है ब्रेक, मतलब ब्रेक आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये ब्रेक है। और अगर गियर की बात करें तो इसमें लो गियर भी आता है, सब मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 गियर हैं। गर्मी बहुत है, एलएनजी की क्वांटिटी जो रहती है कितनी गाड़ी चलेगी कितनी नहीं चलेगी वो एमआईडी पे यहाँ शो करता है। चाबी लगाएंगे तो चाबी नहीं लगा सकता मैं, एसी वेंट है मेरे पास है नहीं। ये देखेंगे पूरे एसी के कंट्रोल्स, यहाँ टेम्परेचर बताता है कितना है, पूरे एसी के कंट्रोल्स वगैरह दे रखे हैं। म्यूजिक सिस्टम भी इसमें आता है यहाँ पे आप देखेंगे तो, इसकी हेल्पलाइन है, ये चार्जिंग वगैरह के लिए दे रखा है। ये पूरा आप डैशबोर्ड देखेंगे तो इस तरीके का इसका खूबसूरत सा डैशबोर्ड दिखता है, मतलब अच्छा है, मतलब डैशबोर्ड बहुत कार जैसा है, नीट एंड क्लीन। स्पेस की बात करें तो ये पूरा बोनेट एरिया है, पूरा कंपनी कैबिन है। देखिए आप कितनी कंफर्ट सीट दे रखी है, ड्राइवर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न मैंने बता ही चुका हूँ कि जो प्रेशर सीट लगी है उसकी वजह से ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा। गर्मी बहुत हो रही है, देख रहे हैं हालत आपके भाई की। देखो भाई बारिश का टाइम रहता है तो थोड़ा सा वीडियोस में थोड़ी बहुत लेट लतीफी होगी आपको, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ट्रक्स नहीं मिलते, बारिश में ज़्यादातर चलते रहते, गर्मी में टायर की वजह से खड़े हो जाते क्योंकि टायर ना फूटे, केयर की वजह से खड़े करते, ज़्यादातर चलते रहते और मेरा कंटेंट दूसरों पर डिपेंड है तो इस वजह से थोड़ा लेट लतीफ हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन कंटेंट में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब देखेंगे यहाँ आए, ये देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर, पहली बार आपने किसी ट्रक में देखा होगा कि ये अंदर IRVM आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी सिर्फ अभी इसलिए मिल रहा है, शायद ये बना हुआ नहीं है, जैसे आप देखेंगे ये सामने खड़ा हुआ है तो सिर्फ बॉडी बनी हुई, तो पीछे का अभी दिख जाएगा यहाँ से आप देखेंगे तो, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे का नहीं दिखेगा। शायद इसमें एक रिवर्स कैमरा बाद में दें या लगा के दें, आफ्टर मार्केट दें, लेकिन देना चाहिए। देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ये लाइट्स वगैरह देखने को मिलेगी, और ये देखेंगे आप सनशेड वगैरह है, यहाँ पर भी स्टोरेज है ऊपर। ये जो है ना, ये इसका एक फ़ायदा बताऊं मैं आपको, चाहे कितनी गर्मी हो ये हीट नहीं छोड़ेगा, इस तरीके से इसको बनाया गया है। और आप डिज़ाइन देखिए, बड़ी प्यारी डिज़ाइन दे रखी है, मतलब ये जो एक शेप दे के रखा है उन्होंने बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे देखेंगे आप तो पर्दा वर्दा लगाने के लिए टाइप कुछ दे रखा है, आगे ये क्या करते हैं उसका वो बेटर जानते हैं, अंदर हुक वगैरह भी दे रखे हैं टांगने के लिए। इस तरीके की इसकी जो प्रोफाइल है बिल्कुल नया रखा हुआ, 2 सीट है, एक ड्राइवर साहब पीछे सो सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा, हाँ ये इसका फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, बड़ा अच्छे से बंद होता है, और उधर भी सेम एज इट इज़ दे रखे हैं। डोर हैंडल्स आपको क्रोम में देखने को मिलेंगे, और ये इसके लॉक वगैरह दे रखे हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये इसके पूरे लॉक दे रखे हैं, वो बड़ा ही अच्छा है। बाकी तो सिस्टम ये है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये इसकी MID वगैरह मैं दिखा चुका हूँ आपको, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। एक चीज़ और बाहर जाके मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, पहले उतरता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि अब जैसे कि बाहर आके मैं ये बताना चाह रहा था, टैंक तो मैंने आपको बता दिया था क्लियरली, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं आप ये इसका फिलिंग पॉइंट है, ये राइट जो गैस जाती है सप्लाई होती है, तो ये इसका प्रेशर पॉइंट है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो जैसे देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है और ये यहाँ से ऐसे निकलता है, इसको पूरा आप खोलेंगे ये देखिए, ये हो गया ओपन। अब आप ये देखेंगे तो ये जो है इसका फिलिंग पॉइंट है, यहाँ से इसमें गैस फिल हो जाती है। आप देखेंगे ये क्राइग अरे और कुछ लिखा हुआ है, इतना अंग्रेज नहीं है अपन, आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा है भाई, क्रायोजेनिक फिलिंग नोजल प्रेशर गेज ऑफ बफर टैंक, वो क्रायोजेनिक गैस रिटर्न नोजल, मतलब ये वो प्रेशर जो प्रेशर रह गया है वो यहाँ से निकल जाता है। जैसे ये इसको दबाएंगे करेंगे अपन कुछ नहीं करेंगे, वो यहाँ पर ये पूरा बता देगा कितना क्या कैसे क्या है। तो बाकी मैं लगा देता हूँ, जितना मुझे पता था जितना मैं निकाल पाया खड़े पे इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दी। इसको अपन बंद करते हैं, बंद करने का भी थोड़ा अच्छा है ये, जैसे आप यहाँ से इसको ऐसे लगा दें और ये क्लिप दे रखें, ये देखिए इस तरीके के यहाँ पे इस पर ये क्लिप लगा देंगे आप, ये ऐसे बंद हो जाएगा। एक चीज़ और बड़ी अच्छी है मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने सारा ट्रक तो दिखा दिया, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादा ट्रक में ग्रीसिंग वर्क होता है, यहाँ आपको ज़्यादा ग्रीसिंग वर्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हल्का फुल्का यहाँ है तो यहाँ तो हो गई जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई ट्रेलर वगैरह कनेक्ट होगा। ये देखिए कमाने यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पीछे कोई ग्रीसिंग वर्क नहीं है इसमें, और यहाँ देखेंगे आप यहाँ से भी दिखा दूँ आपको पूरा, ये देखिए कोई भी आपको कमाने में ग्रीसिंग वर्क नहीं दिखेगा, बिना ग्रीस का है ये, जो भी कंपनी ने सिस्टम बनाया है वो उनके हिसाब से बनाया है। सिर्फ आपको देखने को मिलेगा ग्रीस, तो वो मिलेगा यहाँ पे इस आगे वाली कबानी में, पीछे कोई ग्रीसिंग इसमें नहीं होती है। तो ये लगभग मैं आपको, और ये जो स्टैंड रखा हुआ आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से रखा है, जो कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़बरदस्त है LNG। और एक चीज़ और सुनते जाइए इस ट्रक के बारे में, एक चीज़ और सबसे अच्छी है कि इतना पावरफुल है, हालांकि मैंने नहीं चलाया ना मैंने इसको देखा, मतलब सिर्फ मैं जब बाइक से आ रहा था उधर से, तो ये चल के जब आ रहा था तो जो कार थी ना
भाई कार को जिस तरीके से इसने ओवरटेक करा तो उससे मुझे ये तो लग गया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रक है। और अंदाजन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बस एक चीज़ में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इससे कि इसका प्राइस रेंज जो है बहुत ज़्यादा आने वाला है। समथिंग मेरा अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ये 70 से 80 लाख के बीच में इसका प्राइस आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और देखो र्यूमर है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे पता है जो AMW मोटर्स है एशियन मोटर्स लिमिटेड, वही जो ऑनर है वही इसके ऑनर है, क्योंकि इसके पूरे पार्ट्स बाहर से आएंगे, सिर्फ यहाँ पे असेंबल होके ये मिलेगा। तो ये जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको बता दी। लेकिन पावर के मामले में जब मैंने इसे चलते हुए देखा भाई, अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, मतलब जो वॉल्वो के ट्रक्स वगैरह आते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो एक फील होता है ना कि मतलब यार कार को जिस तरीके से इसने ओवरटेक करा था, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल लगा था मुझे। और इसका जो एप्लीकेशन है वो इतना तगड़ा है भाई कि जो ड्राइवर इसको ड्राइव कर रहा है, मतलब चला रहा है ना, तो भले ही अगर वो कितनी स्पीड में चला रहे हैं, क्या मेजर फॉल्ट है क्या माइनर फॉल्ट है, सब एक एप्लीकेशन में मतलब आके आपको बता देगा। ये हर ड्राइवर के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा, कंपनी वाला भी जान जाएगा कि पर्टिकुलर ट्रक में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, गैस कम है या कोई भी प्रॉब्लम है, हवा कम है, सारी चीज़ें एप्लीकेशन में पता चल जाएगी, इतना अपडेटेड ट्रक है भाई ये। तो भाई ये था कंप्लीट वीडियो ट्रक के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन लगभग जो मुझे पता थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और कैसा लगा कंटेंट ज़रूर बताना कमेंट करके। और एक भाई हमारे अभिषेक भाई, हाँ गौरव भाई क्या नाम था, नाम भूल गया, आपने बोला था कि वीडियोस नहीं बना सको, बाइक से नहीं जा सको तो कार से जाया करो, आपके पास तो कार भी है। हाँ कार है फैमिली में, लेकिन अफोर्डेबल होना चाहिए भाई, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि अगर मैं कार अफोर्ड कर सकूँ तब भी मैं बाइक से 50-50, 60-60 किलोमीटर घूमूंगा। अभी आपको लगता है यूट्यूब से इतना पैसा आता है, लेकिन इतना नहीं आता। 30,000 सब्सक्राइबर पर अगर मैं एक अंदाजन बताऊँ तो आपको 15 से 20 के बीच में अमाउंट, 15,000 से 20,000 के बीच में अमाउंट मान लीजिए आप, उतना आता है, जिसमें रोज़ 200 से 300 का तो मेरा पेट्रोल मिल जाता है। बाकी आप समझ सकते हो, आप समझदार हो, है ना, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो तो आगे फिर और हिम्मत बढ़ेगी आगे जाने की। जाएंगे अभी धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई ये है कि अभी जो बारिश का मौसम है उसमें मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन कंटेंट मेरा जो है डिपेंडेबल होता है ड्राइवर भाइयों पे, तो थोड़ा इंतज़ार करा करिए भाई। मैं जानता हूँ कि आप बहुत प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से। भले ही 35,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास जो 100-200 लोगों के जो मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, बड़ी खुशी होती है मुझे। भले ही 100-200 के आते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे वीडियोस नहीं आते, तो पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन वीडियो नहीं आया, नहीं तो ऐसा होता नहीं था, वो भी बारिश में हो गया भाई। अब मैं आगे वादा नहीं कर सकता कि डेली लाऊंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा डेली कंटेंट लाने की, लेकिन अगर ज़्यादा पानी गिर गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर ट्रक नहीं मिले, क्योंकि डिपेंडेबल कंटेंट है ना, तो इसलिए। बाकी ये था हमारा कंटेंट, छोटे मोटे वीडियो, होप करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।